नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा बाफिला। चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। जयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत सोनी। शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने फरवरी में रीट परीक्षा करवाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रीट को लेकर छोटे मोटे संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इस महीने तक इन संशोधन को अंतिम रूप दिया जाएगा। नवंबर में फाइल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेज दी जाएगी और नवंबर में ही भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी करने की संभावना है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही 31,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों के पदों का गठन कर भर्ती को मंजूरी दी थी। अब रीट की तैयारियां शुरू होने से 31,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। जयपुर के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अजमेर का। अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर किशनगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हमारे सहयोगी इंद्रजीत उबाना। संभाग की मार्बल नगरी किशनगढ़ में दिन दहाड़े फायरिंग कर उतारा कांग्रेस नेता को मौत के घाट। पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया के पुत्र भंवर सिनोदिया के हत्याकांड में चश्मदीद गवाह था मृतक भागचंद चोटिया। किशनगढ़ के पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता नाथुराम सिनोदिया के पुत्र भंवर सिनोदिया हत्याकांड में चश्मदीद गवाह के रूप में सामने रहे भागचंद चोटिया को आज अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े मुख्य चौराहे पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद किशनगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे जिले में सनसनी का माहौल बन गया। मामले की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की संपूर्ण जानकारी जुटाई। हालांकि अभी हमलावर कौन है इसका खुलासा नहीं हो पाया है और न ही शार्प शूटर कोई पुलिस के हाथ लगा है, लेकिन पुलिस की पैनी निगाहें शार्प शूटर्स को तलाशने में जुट गई है। दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर आरोपियों ने न सिर्फ मार्बल नगरी में दहशत फैलाई बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि किस तरह तेज तर्रार पुलिस इन शार्प शूटर्स को तलाश कर पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बीकानेर का। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हमारे संवाददाता संजय पारे। शिक्षा विभाग कार्मिकों के लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की सुनवाई के लिए आज बीकानेर स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में व्यक्तिगत सुनवाई कैंप का आयोजन हुआ। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इन प्रकरणों की सुनवाई की और उचित निस्तारण किया। न्यून परीक्षा परिणाम, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में त्रुटि सहित विभिन्न प्रकार के 16 CCA और 17 CCA प्रकरणों की आज सुनवाई की गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा विभाग कार्मिकों के प्रकरण लंबित ना रहे, उनकी समय पर सुनवाई की जाए और उनका निस्तारण हो, ताकि इन शिक्षकों को SAP स्थायीकरण आदि कार्यों में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि गत 6 माह में 3,500 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है और आगे भी समय समय पर इस प्रकार के व्यक्तिगत सुनवाई कैंप का आयोजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोधपुर का रुख करते हैं। जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता शिव प्रकाश पुरोहित। नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी। 160 में से 155 प्रत्याशियों की घोषणा। प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही कई जगह उठे बगावत के सुर, तो वहीं भाजपा आलाकमान ने दोनों ही निगम में भाजपा बोर्ड बनाने का किया दावा। देर रात भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर निगम उत्तर और नगर निगम दर्शन के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। इन प्रत्याशियों में 160 में से 155 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इस बार भाजपा ने 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जो काफी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर टिकट की घोषणा होने के साथ ही आज पूरे दिन जहां भाजपा के प्रत्याशियों के आवेदन प्रक्रिया पूरे करवाने की प्रक्रिया चली, तो वहीं कई जगह पर टिकट के घोषणा होने के साथ ही बगावत के सुर बनने लगे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में ताल ठोकने की दावेदारी जताई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि वह दोनों ही बोर्ड में अपना नगर निगम पर अपना कब्जा जमाएगा। हालांकि देखना होगा कि इन भाजपा का यह दावा कितना सफल होता है। वहीं एक जगह पर भाजपा की ओर से 2 से अधिक संतान वाले प्रत्याशियों को टिकट देने की भी बात सामने आई है। यह टिकट देर रात तक बदल सकता है। निश्चित रूप से भाजपा की ओर से टिकट घोषणा के साथ ही कांग्रेस की टिकट पर सभी की नजर है। अब देखना होगा कि यह मुकाबला कितना रोचक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं कोटा। कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता भंवर S. चारण।
नगर निगम चुनावों को लेकर चढ़ा कोटा का सियासी पारा। बीजेपी ने कोटा के दोनों नगर निगमों कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के लिए अपने प्रत्याशियों की जारी की सूची। इन दोनों निगमों में मिलाकर के कुल 150 वार्ड है जिनके लिए बीजेपी ने सूची जारी की है, लेकिन दोनों निगमों में कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें अभी भी प्रत्याशी चयन का काम विचाराधीन रखा गया है। कोटा दक्षिण की बात करें तो यहाँ कुल मिलाकर के 80 वार्ड है और सूची में सबसे खास बात यह है कि निवर्तमान महापौर महेश विजय ने अपनी दावेदारी एक तरह से हटा ली है और वो फिर से चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ बोर्ड में डिप्टी मेयर रही सुनीता व्यास कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड 20 से बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रही है। लेकिन सूची के बाद कोटा में दक्षिण नगर निगम में फिलहाल महापौर पद के सबसे प्रबल दावेदार बीजेपी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र खींची बताए जा रहे हैं, जिन्हें बीजेपी ने वार्ड 26 से चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इन नेताओं का सामना अपने ही ग्रुप के दो वरिष्ठ पार्षदों विवेक राजवंशी और गोपाल मंडा से भी होने जा रहा है, जिन्हें बीजेपी ने एक बार फिर से टिकट दिया है। तो वहीं कोटा उत्तर की बात करें तो यहां भी कुल मिलाकर के 70 वार्डों के लिए सूची जारी की गई है और फिलहाल जारी सूची में संतोष बेरवा और सुनीता सामरिया जैसे नाम है जो कि महापौर को लेकर के चर्चाओं में है। कोटा दक्षिण में जहाँ महापौर का पद सामान्य वर्ग के लिए है, तो वहीं कोटा उत्तर के लिए ये पद ऐसी महिला के लिए आरक्षित है। हालांकि कोटा में कांग्रेस ने भी नगर निगम चुनावों को लेकर प्रत्याशी चयन का काम तेजी से पूरा किया है, लेकिन नामांकन का कल आखिरी दिन है और कांग्रेस की कोई अधिकृत सूची अभी तक भी जारी नहीं की गई है। हालांकि अंदरखाने खबर यह है कि कांग्रेस ने यहां भी 80 से 90 फीसदी वार्डों में प्रत्याशी चयन का काम करीब करीब पूरा कर लिया है और जिनको चुनावी मैदान में उतरना है उन्हें संकेत किया जा चुका है कि वो नामांकन की सारी प्रक्रिया पूरी कर लें और कल जाकर के अपना नामांकन दाखिल कर लें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उदयपुर के। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हमारे संवाददाता पुनीत चतुर्वेदी। राजस्थान में मतदान नाम की एक कुप्रथा भारतीय संविधान के लिए नासूर बनती दिखाई दे रही है। असल में किसी की मौत पर पैसा मांगना और उसके बाद इस शव को उठाना एक मतदान नाम की कुप्रथा के नाम से प्रचलित है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में आज ही इसकी दो वारदातें हुई, जिसके बाद करीब 5 और 2.5 लाख रुपए के मोताड़ देने के बाद ही शव उठाए जा सके और पुलिस मुख दर्शक बनी रही। दरअसल डूंगरपुर जिले के दम्बोला थाना क्षेत्र के पीठ गांव में एक घर पर सफाई के लिए गई महिला श्रमिक चक्कर आने पर नीचे गिर पड़ी। इलाज के दौरान गुजरात के मोड़ासा में उसने दम तोड़ दिया। परिजन 15 लाख रुपए मोताड़ा मिलने पर ही शव उठाने पर डटे हुए थे। 24 घंटे बाद शव डूंगरपुर मोर्चरी लाया जा सका और देर शाम 5 लाख रुपए में मोताड़ा तय होने पर पोस्टमार्टम हो सका। वहीं बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कोटड़ा गांव में भी 11 केवी बिजली लाइन पर चढ़े युवक की करंट लगने से मौत हो गई थी। 36 घंटे बाद 2.5 लाख रुपए मोताड़ा तय होने के बाद परिजन शव लेने को राजी हुए। दंगों की चिंगारियां अभी ठंडी भी नहीं हुई हैं और एक के बाद एक लगातार इस तरीके की घटनाएं जो मोताड़ा जैसी परंपराओं को बढ़ावा देती है फिर से सुलगने लगी है। बहरहाल वर्तमान में तो पुलिस ने इन दोनों मामलों को ठंडा करा दिया, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में किसी बड़ी चुनौती के रूप में ये सामने ना आए। आगे बढ़ते हैं, भरतपुर संभाग का रुख करते हैं। भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद तिवारी। जिला चिकित्सालय के बंदीवार से 4 आरोपी हुए फरार। दीवार में सेन लगाकर फरार हुए चारों आरोपी बीते दिनों बसेड़ी थाना पुलिस ने वाहनों की चोरी में संलिप्तता के चलते किए थे गिरफ्तार। कोविड 19 की जांच के लिए जिला चिकित्सालय के कैदीवार में रखे थे चारों आरोपी। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनकी कोविड जांच के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय के बंदीवार में भर्ती कराया था, लेकिन शनिवार देर रात्रि को उन चोरों ने दीवार में सेन लगाकर फरार हो गए। इस घटना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने बताया कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को वसेड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनमें अजीत, विकास, आकाश एवं कल्याण सिंह को हिरासत में लिया गया था, जहां से आरोपियों को जेल भेजने से पहले उनकी कोविड 19 की जांच कराने के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय के बंदी वार्ड में भर्ती कराया, जहां पर पुलिस गार्ड भी तैनात थे। बीती रात्रि को चोरों ने सलाह बनाते हुए शौचालय में जाकर जहां नल के लोहे पाइप को तोड़कर नुकीला बना लिया और उससे दीवार में ओड़ा लगाकर फरार हो गए। उस बाढ़ में इन आरोपियों के साथ साथ एक अन्य आरोपी भी था, लेकिन उसका कहना है कि उसे पता ही नहीं है कि चोरों ने कब दीवार में ओड़ा लगाया और कब वहां से फरार हो गए। काफ़ी देर बाद जब वह चारों आरोपी कमरे में नहीं आए तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें चारों तरफ ढूंढा और दीवार में ओड़ा लगा देख उनके होश उड़ गए और इस मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस के अलावा अन्य आला अधिकारियों को भी दी। घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जांच करवाई जा रही है, अगर कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारियों के लिए, अपने अपने संभागों की बड़ी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।